यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 18 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय कर्तव्य परायणता। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, कल सेवा में निवेदन किया था कि यदि हम निज ज्ञान के प्रकाश में अपने माने हुए संबंधों पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी संबंध हमें कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाते हैं। अब विचार यह करना है कि ऐसा कौन सा संबंध है जो हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है और ऐसी कौन सी मान्यता है जो न तो कर्तव्य का ही पाठ पढ़ाती है और न अपनी स्वतंत्र सत्ता ही व्यक्त करती है। जैसे कोई कहे मैं तो मैं, जैसे जीवन में कोई वस्तु प्रत्यक्ष है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि मैं का अर्थ है यह को विषय करने वाला, जो मैं यह का विषय करता है। क्या कभी किसी ने उस मैं को यह से भिन्न करके देखा है? तो कहना होगा कि यह का भान तो तब होता है जब हम अपने को बुद्धि आदि कारणों से मिला लेते हैं। बुद्धि आदि कारणों से हम मैं को तब मिलाते हैं जब किसी वासना की उत्पत्ति होती है। तो क्या मैं का अर्थ वासनाओं का समूह है? वासनाओं की उत्पत्ति तो केवल अपने को देह मानने पर होती है। तो क्या मैं का अर्थ देह है? यदि मैं का अर्थ देह है तो यह किसे कहेंगे? अतः देह के साथ मैं को मिलाया नहीं जा सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि वासना की उत्पत्ति का कारण अपने को देह मानना है। अपने को देह मानना अविवेक सिद्ध है, विवेक सिद्ध नहीं। तो क्या मैं का अर्थ अविवेक है? यदि कोई अविवेक को ही मैं मान ले तो कहना होगा कि अविवेक की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विवेक के अनादर का नाम ही अविवेक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं या तो कर्तव्य के विधान का प्रतीक है अथवा कुछ नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं के अर्थ में तो हम बुद्धि आदि यावत दृश्य के प्रकाशक को लेते हैं, तो कहना होगा कि बुद्धि आदि यावत दृश्य का प्रकाशक तो अनंत नित्य ज्ञान है। यदि अनंत नित्य ज्ञान को मैं कहेंगे तो है किसको कहा जाएगा?
हाँ, यह अवश्य है कि जिन्हें मैं शब्द से मोह हो गया हो और उसके बिना माने किसी प्रकार संतोष न हो, तो मैं का अर्थ होगा अनंत नित्य ज्ञान। इस दृष्टिकोण से भी मैं जैसी कोई सीमित वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, कारण कि मैं का अर्थ हुआ कुछ नहीं अथवा सब कुछ। कुछ नहीं का अस्तित्व होता नहीं और सब कुछ को किसी मान्यता में आबद्ध कर सकते नहीं। अतः मान्यता वही सार्थक है जो साधन रूप हो। उसके अतिरिक्त जो भी मान्यता होगी वह निरर्थक सिद्ध होगी। हाँ, एक बात अवश्य है कि मैं को है कि जिज्ञासा अथवा है कि प्रीति के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, पर जिज्ञासा तथा प्रीति में सत्ता उसी की होती है जिसकी वह जिज्ञासा तथा प्रीति होती है। अब विचार यह करना है कि इन तीनों भावों में से वास्तविकता क्या है, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कर्तव्य परायणता में से यदि प्रीति निकाल दी जाए तो कर्तव्य जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। इससे यह सिद्ध होता है कि मैं की वास्तविक सत्ता किसी न किसी की प्रीति में है। हम जब अपने को कुछ मानते हैं तो हमारी उस मान्यता में किसी की प्रीति निहित हो जाती है। जैसे किसी डॉक्टर से पूछा जाए कि तुम वास्तव में कौन हो, रोगी की प्रीति। इसी प्रकार वकील से पूछा जाए कि तुम कौन हो, कानून की प्रीति। यदि आप कहें कि डॉक्टर रोगी की प्रीति नहीं है, तो उस समय वह डॉक्टर नहीं है। प्रीति के बदले में क्या मिलेगा? यह तो प्रीति का स्वभाव नहीं है, यह तो किसी और का स्वभाव है, अर्थात देह का स्वभाव है। अपने को देह से मिलते ही की हुई प्रीति के बदले में कुछ न कुछ चाह उत्पन्न हो जाती है जो अविवेक सिद्ध है, कारण कि प्रीति में जो रस है वह किसी भोग में नहीं। जिस देह से प्रमादवश हम अपने को मिला लेते हैं, उस देह की तो वास्तव में स्थिति सिद्ध ही नहीं होती। प्रतीति अवश्य होती है। यदि कोई कहे कि उसे हम छूते हैं, पकड़ते हैं, प्यार करते हैं, तो कहना होगा कि क्या आप देह से अपने को अलग करके किसी भी देह को छूते, पकड़ते, प्यार करते हैं? कदापि नहीं। बड़े से बड़ा भौतिक विज्ञानी भी देह आदि वस्तुओं की वास्तविक स्थिति सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें सतत परिवर्तन
न हो रहा हो।